पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद उज्जैन में जल जमाव की स्थिति बन गई है। शिप्रा के घाट डूब चुके हैं और शिप्रा पे बने मंदिरों में भी पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि शहर की कई कॉलोनियों में बीती रात से ही घरों में पानी पहुंच। ये शिप्रा नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और लगभग 4 फीट पानी है और 1.5 घंटा में पानी बढ़ गया है, 1.5-2 फीट पानी बढ़ गया है। और यहाँ पर दोनों तरफ से रोक दिया गया आवागमन और पुलिस के बैरिकेड जो लगा दिए हैं उससे, और जो गाड़ियाँ रखी है रामघाट पर उनको भी ऊपर करवा दिए और ठेले वगैरह सब लोगों को ऊपर जाने की समझाइश दी गई है। जो घाट है घाटों को भी खाली करवा दिया? हाँ, रामघाट वगैरह ये सब वहाँ पर अलाउंस भी लगे हुए, अलाउंस करके भी घाट खाली करवा दिया गया। काफ़ी मात्रा में पानी जमा हो चुका है, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है और लगातार बारिश भी जारी है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती है। हालांकि अभी जो स्थितियां हैं वह ऐसी हैं कि आम लोगों का जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त है। उज्जैन से INH न्यूज़ के लिए राहुल यादव। सुबह से पानी में है बस, अच्छा सा बढ़िया सा इंटरव्यू लेकर डाल देना, कर डब्बा डब्बी उठा के तो उधर कर लो हल्का फुल्का। भाई हो गया।